आंशिक लॉकडाउन के दूसरे चरण में सार्वजनिक स्थल जैसे कि शॉपिंग मॉल, होलसेल मार्केट, विभिन्न दफ्तर और सरकारी ऑफिस खोलने पर राज्य सरकार ने हामी भरी है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन न होने से लोग परेशान हैं। इस विषय पर सनमार्ग की टीम ने धर्मतल्ला में काम करने आए लोगों से बात की। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा। सरकार बोल रहा है तो 25% आदमी लेके खुलना चाहिए, 25% आदमी आएगा कैसे? आदमी को जाने आने का बहुत तकलीफ होता है। जितना अभी जो मान लो जो हम लोग जो बना है, हम लोग जो काम कर रहा है, अभी जो 250 रुपया रोज जो मिलता है, हमको जाने आने का कितना खर्चा हो जाता है। अभी टैक्सी वाला बोलो, ओला वाला बोलो, इससे कैसे चलेगा बोलिए। इसीलिए हमको बात आपको जो सरकारी बात जो प्राइवेट जो बात जो जो बात है वही चालू होना पड़ेगा। किसी का इमरजेंसी हो गया है तो कैसे जाएंगे? सबके पास तो गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी तो ऑब्वियसली चालू करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम हर रोज 70 किलोमीटर साइकिल से आ रहा हूँ जा रहा हूँ।